दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर एक सरकारी लॉकर है। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंस जाते हैं, तो अगर आपके पास RC ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं, अगर आप डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रखेंगे तो अगर ये उनको दिखाएंगे तो वहाँ से आप छूट सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये वैलिड है कि आप जो है किसी भी परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या RC नहीं है या पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, आपके फ़ोन में डिजी लॉकर इंस्टॉल है, उसमें इंस्टॉल किया हुआ आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप उन्हें दिखा के वहां से आप छूट सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस डिजी लॉकर के बारे में। तो चलिए, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर में आएंगे, लिखेंगे डिजी लॉकर। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद अगर आप इसमें फर्स्ट बार इसको डिजी लॉकर को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप यहां पे सारा डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पिन यहां पे इंटर करके, ईमेल आईडी, आधार नंबर इंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि मेरा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान चलिए आधार कार्ड यहाँ पर हम क्लिक करना है, आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है, जो आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उसी में OTP आएगा। OTP देने के बाद कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा डाउनलोड किया हुआ आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ 3 एक डॉट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एक व्यू का ऑप्शन है, एक शेयर का ऑप्शन है, और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको व्यू पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड नहीं दिखा रहा है, तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पैन कार्ड को यहाँ पे सेव करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और पैन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर देंगे, उसके बाद पैन पे जो नाम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ से अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। उस डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं और किसी को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड आप PDF भी कर सकते हैं व्यू PDF में। और अगर यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, अगर नहीं दिखा रहे तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करते हैं और ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे इस तरह का, आप यहाँ पे जैसे कि स्किल इंडिया का आपने कोर्स किया होगा तो यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन का मिलेगा, तो एजुकेशन का भी यहाँ पे आप व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से RC भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।